पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के द्वारा संचालित एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांठोड मुरादाबाद में स्वामी विवेकानंद के 160वें जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में 104वां निःशुल्क कृत्रिम अंग, कैलिपर्स और कंबल वितरण शिविर का आयोजन भी किया गया। सबसे पहले आमंत्रित अतिथियों ने प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर स्वामी विवेकानंद स्वर्गीय विनोद खन्ना और स्वर्गीय LR तलवार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात सभी अतिथियों ने विनोद खन्ना चिकित्सा शिविर स्थल पहुंचकर 104वें निःशुल्क कृत्रिम अंग, कैलिपर्स और कंबल वितरण शिविर का दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान दो महापूर्व दिव्यांगों का कृत्रिम अंग का नाप किवानी क्लब के द्वारा लिया गया था, जिसको आज सभी दिव्यांगों को प्रदान कर दिया गया है। साथ ही सभी को यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के माध्यम से भी लिहाफ वितरित किए गए। जनरल वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को लिहाफ वितरित किए गए। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में राष्ट्रगान और मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई एवं वक्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला गया। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लंबे समय से काम कर रही महिला कर्मचारियों उर्मिला एवं तारावती को सेवानिवृत्ति होने पर सम्मानित कर विदाई दी गई। इस अवसर पर वास्तुविद आचार्य मुकुल रस्तोगी को वास्तु के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड विभाग में क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनूप सिंह के कर कमलों द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन भी किया गया। और जो लोग जो बच्चे या जो बड़े लोग हैं जिनके हाथ पैर किसी वजह से नहीं हैं या कट गए हैं, उनको हमने जो है आर्टिफिशियल लिम्स का एक कैंप का उद्घाटन कराया, जिसके मुख्य अतिथि श्री अनूप कुमार सिंह डिप्टी SPCO और सिविल लाइन्स हमारे बीच में रहे और उन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करा। उसके साथ साथ आज यहाँ पर कंबल का भी वितरण करा गया। ठंड को देखते हुए जिस प्रकार से पारा रोज गिर रहा है और उसके लिए यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सहयोग से इतने कंबल हम लोगों ने आज दिए हैं। मुझे लगता है कि अगर कहीं भी कोई कमी बेसी होती है कंबल की, तो अभी स्टॉक हमारे पास करीब 200 से 250 कंबल का और है। हम और भी कंबल जो है रोज दो दिन तक लगातार बांटते रहेंगे। सर, इस तरह की प्रोग्राम आप कब से कराते हुए आ रहे हैं? ये प्रोग्राम तो हॉस्पिटल और ट्रस्ट जब से कायम हुआ है, इस तरह ट्रस्ट का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो सेवा और अच्छा उपचार दो चीज़ें हैं, तो हम आज की तारीख में सेवा भी कर रहे हैं और अच्छा उपचार भी कर रहे हैं। अच्छा, लगभग आज कितनी किटें विकलांगों को दी गई होंगी आपके द्वारा? आज 160 विकलांगों को किटें बांटी गई हैं और साल में दो कार्यक्रम हम लोग इस तरह के करते हैं और अभी हमारा ये 123वां कैंप है और इस कैंप 123वां जो कैंप है इसको हम लोग जो हर महीने मेडिकल और हेल्थ चेकअप और आई कैंप तो हमारा हर महीने होता है और हम लोगों की ट्रस्ट की एक कोशिश है कि हम इस कैंप को रोज हॉस्पिटल के अंदर कंटिन्यू करें। अच्छा सर, मुरादाबाद के दिव्यांगों के लिए दिए गए हैं और जगह से भी दिव्यांग हॉस्पिटल में आए हैं? इसमें ऐसा नहीं है, हम लोग जो दिव्यांग ऑफिस है सरकार का, वहाँ जिलाधिकारी व CMO प्लस हम लोगों ने तीनों मुख्य अखबारों में अपना ऐड भी दिया था। उस ऐड के माध्यम से जहाँ से भी जो है लोग आए हैं और जो निडी लोग हैं उन लोगों को हमने
जो है इस तरह का नेक कार्य कराया हुआ। कुछ लोग अभी रह भी गए हैं, उस जो लोग रह गए हैं उनको हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अगला हमारा 5 महीने बाद कैंप होगा उस कैंप में उसके अंतर्गत ला करके हम लोग ये जो है हम लोग दें। एक सामान्य व्यक्ति की तरह हूँ, वो कहते थे इन्होंने बनाया है। बाकी आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव को वास्तव में जैसे जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिए उस तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट ने, हॉस्पिटल ने और यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने, डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना, श्री सुभाष जल जी, सभी लोगों ने मिल करके बहुत ही अच्छे से उत्सव को मनाया है। गरीबों के लिए, उनके लिए जिनके पास लिम्स नहीं है उनको लिम्स दिए हैं, इस बहुत ही कड़ाके की ठंडी में सभी को कंबल दिए हैं। एक यज्ञ में आहुति जैसे दी जाती है उस तरीके का एक नेक और पवित्र काम किया है। मैं उसके लिए पूरे स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल परिवार को, सभी डॉक्टर्स को, सभी ऑफिस बीयरर्स को, सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ कि इतना नेक कार्य जो स्वामी विवेकानंद जी के पदचिन्हों को चलते हुए लोग कर रहे हैं, ऐसे ही इस काम को जारी रखें। मुरादाबाद की धरती जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, वहाँ पर ऐसे ही मिलकर काम करते रहें। नजम भाई, नीरज भाई, सभी लोग एक साथ जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही आगे नेक कार्य करते रहे। मैं इनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।